अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ हो रहा है हमारा सुबह का नाश्ता, और नाश्ते में हमारे पास खारे और वसीम को रही थी देर, जल्दी से उन्होंने नाश्ता किया और वो चले गए अपने काम पे। तो यहाँ व्यूअर्स अभी हमारी जो है वो लाइट आई है और मौसम हो रहा है बारिश वाला, हब्स हो रहा है बिल्कुल। और रात को भी बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था, रात को हब्स नहीं हो रहा था, रात को ऐसा लग रहा था आग बरस रही है। और इतनी मतलब 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, मैं परेशान हो रही थी और बस लेट रही थी, कभी उठ रही थी, फिर जो है वो थोड़ी देर बाद बस यही कैफे चल रही थी। और हमने खा लिए थे रात में आम, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आम खा के घबराहट तो नहीं हो गई, मे बी पॉसिबल हो भी सकता है। तो यहाँ अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी फ़्रेश हुई हूँ, मेरी नींद भी पूरी हो गई है। तो मैंने कहा चलें उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। तो आजकल जो है वो आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे मज़ेदार से ब्लॉग्स हमारे। लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सबसे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। तो भाई देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो जैसे ही आप लोग वीडियो पे आया करें, सबसे पहले जो है वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँच सके। यहाँ व्यूअर्स मैं आ गई हूँ अभी किचन में और मैंने ली है सब्ज़ी, हमारा सब्ज़ी वाला आया था तो उससे थोड़ी सी सब्ज़ी ली। अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी पकाने, किचन में थोड़ा सा काम करेंगे और जो भी कुछ किचन का काम है वो भी निपटाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी में क्या लिया है, हमने आज तुरई और टमाटर और ये हरा धनिया और मिर्चें, ये हमने जो है वो मंगा लिया हमने सब्ज़ी वाले से। और यहाँ पर मैं अब जो है वो इसको रेडी करने के लिए इसकी तैयारी में लग रही हूँ, थोड़ा बहुत काम पड़ा है वो भी निपटाएंगे। और जो है लाइट जो है वो आज सुबह से आ रही है और कभी जा रही है कभी आ रही है, बिना टाइम के जो है वो आना जाना लगाया हुआ है लाइट ने। और यहाँ देखें माशाल्लाह से दरख्त में ना सारे नए पत्ते आ गए। और सुना है कि जो है वो किसी तूफ़ान का खदशा बताया जा रहा है जो कि कराची की सहेली पट्टियों से जो है वो टकराएगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देखें, माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, देखें इसमें नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। अच्छा जब आम चले जाते हैं ना, जब फूल और ये पहले तो फूल आते हैं फिर उसके बाद जब आम चले जाते हैं, देखें सामने जो है ना वो कैरियाँ लगी हुई हैं और हमने जो है वो कैरीज के जो है वो आम बनाए थे बहुत ही मज़ेदार। उसकी वीडियो में आपके साथ ज़रूर वीडियो क्लिप ऐड करूँगी, इसमें आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे आम बनते हैं। और यहाँ देखें ये इस वक्त जो व्यू है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है काम करती रहती हूँ और ये सारा व्यू भी इंजॉय करती रहती हूँ। यहाँ पर कौवा आ रहा है खाना खाने, चिड़िया आ रही है। तो यहाँ पर अब हम अपना काम निपटाते हैं, पानी डालते हैं, इसमें पानी ख़त्म हुआ हुआ है तो परिंदों को जो है वो ज़रूर पानी रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप लोग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। तो यहाँ व्यूअर्स हमारी कट चुकी है सब्ज़ी और जैसे ही मैंने प्याज काटी है ना व्यूअर्स, मेरी जान निकल गई है और प्याज का जो रस होता है ना इसमें लग गया है मेरे ज़ख्म में। ओह माय गॉड, इतना ख़तरनाक लगी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ व्यूअर्स हमारी जो है वो सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, आप लोग देखें कितनी मज़ेदार सी तुरइयाँ रेडी हो चुकी हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन इस तरह से रेडी करता है और किसकी तुरई की शक्ल जो है वो इस तरह से आती है। तो यहाँ बस अब बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है तो हम निकालते हैं खाना। उस बच्चे खत्म हो गए थे भाई।
अभी हमने जो है ना वो एक कोल्ड ड्रिंक ले ली है और हमको बहुत गर्मी लग रही थी, धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। इधर आओ, लोग जो है वो लेकर आ गए हैं कोल्ड ड्रिंक और इनके बाबा तो चले गए हैं हमें छोड़ के, तो अभी हम लेकर आए हैं ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। दवाई बुखार हो रहा है लेकिन कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो बस अब अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी लाइट भी आ गई है। हमारे घर के पास जो है ना वो बहुत प्यारे प्यारे पौधे भी लगे हुए हैं, गार्डनिंग हुई भी है और इससे यहाँ थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी महसूस हो रहा है। तो फाइनली व्यूअर्स हमारे घर के पास आते ही पहुँचते ही जो है ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है हमारे घर की खुसूसियत। ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें क्यों आराम, बहुत ही प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है, बहुत ठंडा मौसम। कोल्ड ड्रिंक पार्टी, जबकि इनको पीना है, क्या पीना है, बंद करो इसको, हफ्सा के लिए रख दो। सारी हाँ हाँ रख दो रख दो रख दो, कम है बेटा। बस अब जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उसके बाद दवाई पियेंगे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और उन्होंने रास्ते में से कोल्ड ड्रिंक ले ली। और ये है सेवन अप, तो भाई इस वक्त जो है ना वो हालांकि लस्सी पीने का दिल चाह रहा था। हमारा बन रहा है खाना और ये देखें हमने प्याज जो है ना लाल करके और इसे निकाली है और बहुत ही ज़बरदस्त शानदार किस्म की ये प्याज जो है ना वो कुरकुरी हो गई। इस वक्त मुझे वसीम बहुत याद आ रहे हैं क्योंकि वसीम की फेवरेट है ये फ्राई हुई भी प्याज, मगर अभी इसको जो है डाल देते हैं वरना रात में जब वो आएँगे जब तक हम भूल भी जाएंगे और ये ख़राब हो जाएगी। बहुत ही क्रिस्पी हो गई है, हलीम याद आ रहा है इसको देख के। तो ये प्याज जो है वो कड़क हो गई है, यानी कि बिल्कुल कुरकुरी हो गई थी, तो मैंने इसको जो है वो इस तरह से इसको चूरा कर रही हूँ ताकि जो है ये सालन में अभी डालेंगे हम। ये आवाज़ इतनी ज़बरदस्त लग रही है इस वक्त, इतनी फ्रेश फ्रेश लग रही है ये प्याज। तो यहाँ व्यूअर्स अभी हम इस वक्त आए हुए हैं एट्रियम मॉल और हम जा रहे हैं ऊपर फूड कोर्ट में, और इस वक्त जो है वो शाम का टाइम था, मतलब रात हो चुकी थी और हम लोग जो है हॉस्पिटल से घर की तरफ आ रहे थे, तो हमने कहा चलें कुछ हल्का फुल्का सा जो है फूड कोर्ट में एंजॉय करते हैं। तो हमारे रास्ते में जो है वो एट्रियम मॉल पड़ा, तो हम जो है वो एट्रियम मॉल आ गए थे। यहाँ जो है हमारे साथ सिर्फ इस वक्त जो है अरहम है और यहाँ देखें सारे काफ़ी सारे लोग जो है वो काफ़ी रश हो रहा था एट्रियम मॉल में इस वक्त जो है। आई थिंक मुझे दिन तो याद नहीं है कौन से दिन की है, लेकिन जो है यहाँ फूड कोर्ट में काफ़ी रश था और यहाँ जो है वो तकरीबन सारी फैमिलीज जो है वो एंजॉय कर रही थी और हम जो है वो यहाँ पर जगह ढूंढ रहे थे बैठने के लिए कि हमें कोई जगह मिला, फाइनली हमें यहाँ पर जगह मिली। और हम जो थे वो बुरी तरह से बोर हो रहे थे हम लोगों के साथ, मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी, बहनोई भी थे और हम यहाँ पर अकेले एंजॉय कर रहे हैं मैकडॉनल्ड। और यहाँ हम लोगों ने जो है वो चाय पीने के इरादे से आए थे कि बहुत अच्छी सी चाय पीनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब फूड कोर्ट आए तो यहाँ पर जो है हमने कहा चलें
चाट देखकर जो है हमारा दिल करा चले हम चाट खाते हैं। तो यहाँ हमने मिक्स चना चाट जो है वो मंगाई थी और इसके साथ हमने दही बड़े मंगाए थे, बट दही बड़ों और मिक्स चाट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस एक जैसा ही लग रहा था, थोड़ा सा फ़र्क था बस। तो इसलिए और हमारा दिल चाह रहा था वैसे जैसे फ्रेस्को के दही बड़े वगैरह होते हैं ना, वैसा दिल चाह रहा था। तो यहाँ वैसे हमारा मूड था कि हम चाय पियेंगे, बट यहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय की और उसके बाद जो है वो यहाँ से मैंने ना ग्लासेस भी ख़रीदे थे अपने लिए, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में लगाऊंगी या आपको दिखाऊंगी कि मैंने बहुत ही स्मार्ट से जो है ग्लासेस भी जो है लिए थे अपने लिए। और अब जो है यहाँ पर देखें अरहम जो है वो सबको मिस कर रहे हैं, यानी कि हफ्सा नहीं है। और यहाँ देखें ये जो चार्ट है ना, ये दही बड़े इस तरह के, मतलब जो दही के साथ इन्होंने मीठे बनाए हुए थे, ये मीठे दही बड़े थे। लेकिन सो यहाँ व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा शोर था, इतना रश और इतना ज़्यादा शोर कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ व्यूअर्स मौला जट मूवी लगी हुई थी जो कि लोग इन्जॉय करने आए हुए थे। यहाँ व्यूअर्स हम लोग बना रहे हैं अंडों का ऑमलेट। तो यहाँ पर हमने जो है वो सारे इन्ग्रीडियंट्स शामिल कर दिए हैं इसमें, और अब हम जल्दी से जो है वो हमारी गैस जाने वाली है, और आज हमारी लाइट बिल्कुल डिम हो गई थी। और हमारे चावल बने हुए हैं तो हमने कहा थोड़े से जो है चावल के साथ अंडों का ऑमलेट बना लेते हैं। रोटियां मंगा ली थी बाहर से हमने, और हमारी चाय भी रखी हुई है चूल्हे पे, और इतना जो है वो इनफ है। और ये देखिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं इसमें, और अब हम इसको जो है वो बीट कर लेंगे। में हम डालेंगे हरी मिर्चें, जो कि मैं ले आई हूँ वॉश करके, और इसको हम जो है कट करके बड़ी बड़ी डाल देंगे इसमें। तो अंडों का ऑमलेट जो है ना वो लोग अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। एक बनता है मोटा मोटा और एक बनता है बिल्कुल बारीक सा। तो अभी हम यहाँ पर जो है वो बना रहे हैं, जल्दी से सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, और अब हम इसको मिक्स करके, अब इसको हम मिक्स करके जो है वो एक अंडा मैं और ऐड कर रही हूँ इसमें। ये मैंने इसमें एक और अंडा शामिल कर दिया है, अब इसमें इसको डालते हैं।